नाजीन, आपने आजकल सोशल मीडिया पे एक मीम्स देखी होगी जिसमें बिलावल भुट्टो साहब एक एंकर के साथ कंटेनर के ऊपर बैठे होते हैं और हवा का झोंका आता है और वो दोनों झुक जाते हैं और पीछे बड़े रोमांटिक से गाने लगे होते हैं। वो अपनी जो एंकर होती है उनके साथ बड़े रोमांटिक से हो रहे होते हैं। एक तो वो मेरे लीडर है, ऐसा कोई सीन नहीं था। लोगों ने वीडियो ऐसी एडिट किया मीमर्स ने कि कमाल ही कर दिया है। वाडा अल्लाह ही भला करे, उन्होंने मैं की कह सकती है। वायरल करना था, हो गई हूँ। अब बात आ जाए अब्दाला मौसम में, जैसे ही ट्रक के ऊपर चढ़े हम लोग इंटरव्यू करने के लिए, अभी इंटरव्यू स्टार्ट होने ही लगा था कि आगे ब्रिज आ गया और बिलावल मुझे कह दिया कि डाउन टाउन। इस बात का मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, बल्कि खुशी ही हो रही है और आगे भी खुशी होती रहेगी कि चले एक अच्छे एंगल से, एक अच्छे वे से मैं आ गया हूं और लोग मुझे डिफेंड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आपने आजकल सोशल मीडिया पे एक मीम्स देखी होगी जिसमें बिलावल भुट्टो साहब एक एंकर के साथ कंटेनर के ऊपर बैठे होते हैं और हवा का झोंका आता है और वो दोनों झुक जाते हैं और पीछे बड़े रोमांटिक से गाने लगे होते हैं। वो अपनी जो एंकर होती है उनके साथ बड़े रोमांटिक से हो रहे होते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं वही एंकर मायरा हाशमी। आज उनसे पूछते हैं कि क्या वो मीम्स में दिखाया गया है या जेन्युइन ऐसे ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि आप बिलावल भुट्टो के साथ जब बात कर रही होती हैं तो आपको झुकने का इशारा वो करते हैं, वो सीन क्या था? क्या उसमें देखा जा सकता है कि आप रोमांटिक हो रहे हैं, गाने बड़े रोमांटिक लगे हुए हैं, तो तरह तरह की बात हो रही है, आप कैसे देखती हैं? बेसिकली खुश मैं इस वजह से थी, जब आपका लीडर आपके सामने आता है, आपको पता है ना कैसी खुशी होती है। एक तो वो मेरे लीडर है और दूसरी बात ये कि मैं सहाफ़ी हूँ, तो एक टास्क सौंपा गया था चैनल की जानिब से कि आपने बिलावल का इंटरव्यू करना है, तो मौका मिला इंटरव्यू करने का। तो ऊपर जैसे ही वो रोमांटिक सीन दिखाया जा रहा है, वो एडिट करने वाले ने रोमांटिक बनाया है, अलबत्ता था नहीं। तो हम लोग बातें कर रहे थे जनरली फैमिली के हवाले से कि मेरे वालिद मोहतरम जो है वो बेंजर के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे और 27 दिसंबर 2007 को जो लियाकताबाद में ब्लास्ट हुआ उसमें शहीद हुए थे। तो उनकी कुर्बानी, कहा जाता है कि आपकी सक्सेस स्टोरी के पीछे, आपकी कामयाबी के पीछे किसी ना किसी फैमिली मेंबर की कुर्बानी होती है। तो उसी तरह मेरे अब्बू ने जो है अपनी कुर्बानी दी और आज अगर मैं इस मुकाम पर हूँ तो वो सिर्फ़ अपने अब्बू की वजह से हूँ, अपनी फैमिली की दुआओं की वजह से हूँ। और मेरे अब्बू ने हमेशा एक बात कही, जीना मरना पार्टी के लिए है, कभी भी अपनी पार्टी के साथ दगा नहीं करनी, हमेशा वफ़ादारी करनी है। तो उसी वफ़ादारी को देखते हुए, उसी वफा को देखते हुए हमने आगे चलना है और चलते रहेंगे। अच्छा, आपने जो अपनी ड्यूटी लगवाई हुई है वो भी आपने पीपी के साथ लगाई हुई है, यानी कि आपने सिफारिश करके अपने अदारे में ही अपनी ड्यूटी वहाँ बीट लगवाई है? बेसिकली पता चल जाता है कि आपकी पीआर कितनी है, आपको किस इदारे में ज़्यादा जाना जाता है, फिर वही बीट आपको दे दी जाती है। तो पीपल्स पार्टी में मेरी बहुत अच्छी पीआर है, बहुत ग्रिप बनाई हुई है, हर बंदा जानता है, अब्बू की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। और अभी मेरे अब्बू यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन अगले जन्म में जाके उनसे ज़रूर मुलाकात करूँगी, मिलूँगी। उन्हें भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही होगी कि मेरी बेटी आज एक कामयाब लड़की बनी हुई है और पार्टी की खिदमत के लिए, अपने मुल्क की खिदमत के लिए जो है वो मैदान में है। अच्छा मायरा, देखा जाता है कि उसमें बड़ा रोमांटिक था, यानी कि जेन्युइन ऐसा कोई सीन नहीं था, वो मीमर्स ने बस उसको जो है ना एडिटिंग करके बड़ा रोमांटिक सा बनाया हुआ। उसको देखा जाए तो ऐसे लगता है कि वो आपसे बड़ी, जब देख रहे हैं ना, वो रोमांटिक नज़रों से देख रहे हैं और आपको झुकने का बोल रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं था? ऐसा कोई सीन नहीं था और लोगों ने वीडियो ऐसी एडिट किया मीमर्स ने कि कमाल ही कर है, तो वाडा अल्लाह ही भला करे, उन्होंने मैं की कह सकती है। वायरल करना था तो वो हो गई हूँ। अब बात आ जाए, अब इतनी भी वीडियो लाइक, जो इंटरव्यूज भी ले रहे हैं, इतने इंटरव्यू हो चुके हैं कि हर वीडियो फॉर यू और इतने ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, कमेंट्स, शेयर, और मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने उस वीडियो को मेरे साथ शेयर किया है, फैमिली हो, मेरे रिलेटिव हो, मेरे फ्रेंड्स हो, और ऐसे लोग जिन्हें मैं नहीं भी जानती, उन लोगों ने भी मेरे साथ वीडियो शेयर की है कि मैम ये मायरा आप इतने वायरल हो गई है। फैमिली जो मेरे कज़न्स हैं उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो गुस्सा किस वजह से आया, जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं वीडियो के? नहीं, अच्छा मायरा मुझे यहाँ बताइए कि आपको पहली दफ़ा कब पता चला कि आप वायरल हो गए, मीम्स बन गई आप? एक सिंधी मीमर था जब मैंने उसको ओपन किया तो वो 1.3 मिलियन तक पहुँच चुकी थी वीडियो एक रात के अंदर अंदर। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ रही है, स्नैक पे देख ले, टिकटॉक पे देख ले, दिगर सोशल मीडिया के जितने भी पेजेस है। कहते हैं वायरल होना तो सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल होता है। वायरल होके आपको कैसा लगा? मुझे
खुशी हो रही है सबसे ज़्यादा, तो इस बात की खुशी हो रही है कि जो मेरी हिस्ट्री है जो देखने वालों ने तो गलत बनाई है, लेकिन उसके पीछे क्या वाक्या था, क्या सीन था, वो सबको पता चल रहा है। और इस बात का मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, बल्कि खुशी ही हो रही है और आगे भी खुशी होती रहेगी कि चले एक अच्छे एंगल से, एक अच्छे वे से मैं आ गया हूँ और लोग मुझे डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, मैं वहाँ तो आप बड़ी यानी कि बड़ी बड़ी लग रही हैं, और यहाँ मैंने आपको देखा आप तो बहुत छोटी सी हैं। हाँ, कम उम्री में इतनी कामयाबी मिलना ये किस्मत वालों की बात होती है, और मैं बहुत छोटी थी। तकरीबन स्टडी के साथ ही मैंने जर्नलिज्म को जो है वो ज्वाइन कर लिया था, तो कम उम्र में बस इतनी कामयाबी अल्लाह ताला ने दे दी। ये सब मेरे मौला का करम है, और ये करम मैं चाहती हूँ कि आगे भी होता रहे, वरना हम करम के बगैर हम कुछ भी नहीं है। मैडम मुझे बताइएगा कि जो कमेंट्स आ रहे हैं मीम्स के नीचे और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि वो मोटरवे पे थे, मोटरवे पे क्या पुल आता है, या ऐसी उसको आपको ऐसी डिफेंड करती हैं? लोगों ने कहा कि ये मोटरवे पे कहाँ पे पुल आता है, इमरान खान साहब हमें भी बता दे किधर है। लेकिन वो मोटरवे नहीं था, वो लाला मूसा था, और लाला मूसा में जैसे ही ट्रक के ऊपर चढ़े हम लोग इंटरव्यू करने के लिए, अभी इंटरव्यू स्टार्ट होने ही लगा था कि आगे ब्रिज आ गया और बिलावल ने मुझे कह दिया कि डाउन डाउन, और डाउन हुए हैं। लाइक मैं तो नहीं हुई, बिलावल ज़रूर हो गए। वीडियो में देखा जा रहा है वो डाउन डाउन जो कह रहे हैं ना, वो हवा का झोंका सा फील करवा रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने आपको डाउन कहा लेकिन वो मीमर्स ने जो है ना हवा का झोंका बना दिया। अच्छा मुझे तब बस ये था मेरा इंटरव्यू कम्प्लीट हो जाए, लोग सवालात कर रहे थे, बिलावल से बातें कर रहे थे, तो इसीलिए टाइम बहुत कम था, इसलिए मैं चाहती थी मेरा इंटरव्यू जल्द अज जल्द कम्प्लीट हो जाए। लेकिन लोगों ने ऐसे मोहब्बत वाले गाने ऊपर लगा दिए हैं कि देखने वालों को तो गलत लगेगा ही लगेगा, लेकिन सब लोगों ने अप्रिशिएट ही किया है, सब खुश ही है कि मैं वायरल हुई हूँ, तो वायरल करने वालों को बस यही कहूँगी। अच्छा, दो लफ्ज़ों में आपने इस वीडियो को डिफेंड करना है, बिलावल के साथ जो वीडियो आवाम देख रही है, जो पब्लिक देख रही है, आप दो लफ्ज़ों में बयान करें। उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, बी पॉजिटिव रहा करें, हमारा मुआशरा आगे जाने वाला है, तो अपनी वो जो पुरानी सोच, छोटी सोच, उसको बड़ा किया जाए। बिल्कुल भी जैसे आपके घर में भी बेटियां हैं, उसी तरह मैं भी एक कौम की बेटी हूँ, और पाकिस्तान के लिए, इस पार्टी के लिए मैंने आगे आना है, और अच्छी वीडियोज़ के साथ आगे आएंगे, बहुत कुछ करना है इस पाकिस्तान के लिए, बहुत कुछ सोचा हुआ है, तो उसको अचीव करके ही रहना है। अच्छा मायरा, आपको नहीं लगता कि आप पीपी को ही सपोर्ट कर रही हैं और वही आप अपनी अदारे के लिए काम कर रही हैं? एज अ सहाफ़ी होने के नाते आपको एक न्यूट्रल काम करना चाहिए, आपकी ड्यूटी पीटीआई या नून लीग में लगे तो आप अच्छे तरीके से अपनी नौकरी जो सर अंजाम कर सकेंगी, क्योंकि आप मुखालिफ सवाल करेंगी तो आपको उसका जवाब मिलेगा, और जब आप पॉजिटिव सवाल करेंगी तो उसका आपको पॉजिटिव ही जवाब मिलेगा। ये मेरी अपनी एक सवाल था जो मैंने आपसे पूछा। ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए, मैं बहुत ज़्यादा अपने पार्टी के लिए जो है वो मुखालिफ सवाल करती हूँ, मुखालिफ बहुत ज़्यादा करती हूँ। कभी आप मेरा पेज विजिट कीजिएगा लाजमन एक दफ़ा फेसबुक का, और वहाँ पे तमाम स्टोरीज, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाती हूँ, उन सभी बड़ी अच्छी जो है वो मेरी हेलो हाय है तमाम लोगों के साथ। नून लीग में भी जाती हूँ, और पीपल्स पार्टी चूंकि मेरी अपनी घर की पार्टी है तो उसके साथ तो होनी होनी है। मैं बहुत अगेंस्ट सवाल करती हूँ, जहाँ पे जो गलत होगा उसको मैं डिफेंड करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं दूसरी पार्टीज़ को क्यों नहीं सपोर्ट करती, दूसरी पार्टीज़ को इसलिए सपोर्ट नहीं करती कि एक तो पीपल्स पार्टी जो है मेरे अब्बू ने कुर्बानी दी है, तो उनके साथ मैंने जो वादा किया है वो मैंने पूरा करना ही करना है, हर हाल में करना है। और दूसरा, पीटीआई का क्या सेक्रीफाइस है हमारे मुल्क के लिए, मुझे कोई एक बता दे फिर मैं कर लेती हूँ पीटीआई को सपोर्ट। जी मैम, मैं यहाँ किसी को डिफेंड करने नहीं आया, मैं तो आपके मीम्स के मुतालिक बात करने आया था। नाज़रीन आपने भी नहीं करना सी। नाज़रीन आपने मायरा की तमाम गुफ्तगु सुनी, इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से गाह ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।